कभी अशोक साहिल का एक शेर था कि गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है, और सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कई चालों को खुद से भी छुपाकर चलना पड़ता है। अक्सर लोग शायरों से कवियों से बहुत डरते हैं, और अगर वो पॉलिटिक्स में आ जाए तो काफी डेडली कॉम्बिनेशन है। वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और इंटरमीडिएट के दौरान मुझे समझ में आया कि ये मेरी दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया कहीं और है, क्योंकि मैडक नहीं काट पाएंगे इसीलिए। हाँ, उसी यूनिवर्सिटी में फिराक गोरखपुरी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, बहुत बड़ी लगी, बड़े बड़े लोग, बहुत बड़ी बड़ा नाम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसके सीनेट हॉल में कभी आकर के फैज अहमद फैज ने नज़में पढ़ी हों, जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूँ मैं। क्या करूँ, मजबूरियाँ हैं, गाँव से आया हूँ मैं, और मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूँ तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं सियासत बदलने आया हूं। सियासत की वजह से खुद को बदलने का जिस दिन मुझे डर लगेगा उस दिन छोड़ दूंगा सियासत। एक परंपरा रही है, लाल किले का जो मुशायरा होता था उसमें देश के प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति बैठ के सुना करते थे। आज तो हालत है कि आप चार पंक्ति पढ़ दो तो आपके खिलाफ लेकर के FIR खड़े हैं लोग। लेकिन भाजपा के पास ऐसा कौन सा चेहरा है राजस्थान में जो खड़ा होकर के आज तक विधानसभा से लेकर सड़क तक एक सवाल पूछ पा रहा? वसुंधरा राजे जी पूछ रही हूँ तो बताइए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी खुद ही फंसे हुए हैं। अब आइए मध्य प्रदेश, तीन भाजपा है, एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, एक नाराज भाजपा। तो ये जो है ना यार, आप लिखते बढ़िया हो, जो भी बोलो आप लिखते बहुत बढ़िया हो। मतलब आप ये कह दो कि नहीं ये हार तो मोदी जी की हार है, तो मतलब कई एंकर तो ऐसे मतलब रिएक्ट करते हैं, जैसे लगता है कि आपने उनके पारिवारिक किसी बुजुर्ग सदस्य के बारे में ऐसी बात बोल दी, तो बड़ा मतलब बड़ा क्या ही कहें, क्या ही बोले, हम बोले तो बोले क्या, हम करें तो करें क्या, क्या ही करें बताइए ना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा था, और व्हाट्सएप पे ये मैसेज बहुत सर्कुलेट किया गया था, कि मोदी जी के एक फोन कॉल ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, यूक्रेन और रसिया का। आपको तक भी पहुंचा ही होगा, पक्का पहुंचा होगा। एज अ फ्रेंड एक चीज पूछना चाहता हूँ, मान लो मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होता है राज्यसभा के अंदर, जब आप जाते हैं कि हर इंसान को एक टाइम दिया जाता है बोलने का मिलता है, कैसे होता है? बिल्कुल नहीं, इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिए, दुनिया बड़ी अलग, आपको अपना वक्त छीनना पड़ेगा। सियासत वो वाली जलेबी है जो आसानी से नहीं छूटती। मेरे पुराने दोस्त जब मुझे सांसद जी कहते हैं या MP साहब कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या यार मतलब फालतू की बात है, मैं इमरान हूं यार।